कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है प्रैंक ऑन माय एक्स पार्ट 2, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा शायद, जिसने नहीं देखा देख लेना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्रैंक ऑन माय एक्स बॉयफ्रेंड पार्ट 1 का, तो वो देख लेना, तभी आपको इस वीडियो का आगे पता चलेगा कि आज वीडियो में क्या होने वाला है। तो यार जैसा मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उस बंदे को रिवील नहीं किया था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, मेरा एक्स कौन है। तो यार आज की जो वीडियो है ना, ऐसा ही कुछ हुआ है पहले जैसा कि उस बंदे ने मेरे को दोबारा से फोन करने की, मैसेज करने की बहुत ज्यादा नाकाम कोशिशें कर ली है। तो यार बात यह है कि मैं नहीं करना चाहती उस बंदे से बात, मैंने उसको मिलने बुलाया है आज यहाँ पे, सीपी में हूँ मैं, तो उसको मैंने मिलने बुलाया, देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। अभी मेरी उससे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो पहुँचने ही वाला है जस्ट, तो मैं उसको कॉल करती हूँ, बंदा कहाँ है कहाँ नहीं, फ़ोन करके उसको बुलाते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। क्योंकि यार देखो, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से कुछ भी छिपा हुआ ना रहे यार। तो हाँ, मेरा डिसीजन यही है, मैं उस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन सामने वाले से क्या रिस्पॉन्स आता है ये तो आप लोग खुद ही देख लोगे। तो मैं उसको फ़ोन करके बुला रही हूँ, क्या होने वाला है। कहाँ पहुँचे यार, आना है नहीं आना, मैं जाऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे बस मैं पहुँच रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत है, उसकी वजह से लेट हो गया। बस 5 मिनट वेट कर लो प्लीज, बस 5 मिनट ही वेट करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। बस पहुँच रहा हूँ, प्लीज वेट कर लो 5 मिनट। यार बंदा आने वाला है 5 मिनट में, क्या होने वाला है? अगर अभी तक नहीं देखी अगर प्रैंक ऑन माय एक्स, तो यार मेरी बहुत ज़्यादा ये रियल चीज़ें हैं जो कि मैं कैमरे के आगे मतलब आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि यार बहुत कम लोगों में गट्स होते हैं जो अपनी रियल स्टोरी लोगों के आगे शेयर करते हैं पब्लिकली। तो मैं वेट कर रही हूँ उसका, देखते क्या होगा क्या नहीं होगा वीडियो में, है ना। वीडियो सेट होने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक अमेजिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है फोरा बेट। तो गाइज आप घर बैठे बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, गेम खेलो और पैसे कमाओ। तो गाइज मैं भी इसमें खूब सारे पैसे कमा रही हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है मैं गेम खेलती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, आपको इस फोन में गेम खेल के पैसे दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अपने फोन में मैं गेम खेलूंगी, खूब सारे पैसे कमाऊंगी लाइव टू लाइव। तो गाइज मैं आपको गेम खेल के दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने प्रेस किया, ओ यार मिस हो गया गलती से, दोबारा प्रेस किया मैंने ये, ओ माय गॉड 5000। अब देखो गाइज यहाँ 1000 हो गए मेरे, 71000। अब मैं यहाँ पे दोबारा ट्राई करूँगी गेम खेल के, अब मैंने दोबारा प्रेस किया, ओ ये मैं 5000 दोबारा जीत गया। अब मैं एक बार और ट्राई करूँगी, दे देखो 67000, ओ ये 5000 और 81000 टोटल मेरे पास हो चुके हैं। तो गाइज देखा आपने मैंने कितने आसानी से कितने सारे पैसे कमा लिए बड़ी ईजी तरीके से। यार आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, जाके इसको डाउनलोड करो और खूब सारा पैसा कमाओ, गेम खेलो और पैसे कमाओ। फोन आ गया। हेलो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, देखो इधर 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 येलो जैकेट है। हाथ मत लगाओ, बैठो, बैठ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। अरे तुम तो बैठो, मैं तुम बैठो ना, बैठ जाऊंगी ना, इतनी इज्जत को दे रहे हो, आज तक तो दी नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी यार इसके लिए। नो हर टाइम सुनाना सही नहीं है, बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं ना। पता है मेरी गलती है, बट कितने, पहले तो सबसे पहले ये बता दो कितने अननोन नंबर से मेरे को फोन करोगे और मैसेज करोगे, मेरी जिंदगी का सत्यानाश करके रख दिया तुमने। मैं आपकी केयर करता हूं ना, मेरी केयर करते हो तुम? अच्छा यार तुम बोलो, आज मैंने ना तुम्हें तुम्हारे सुनने के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ अंदर से लग रहा था कि हाँ यार बंदे को कभी एक चांस देना चाहिए, अगर बंदा इतना गिड़गिड़ा रहा है तो यार तुम बताओ। आपने जितना सुनाना ना सुना लो प्लीज, बट ऐसा मत बोलो ठीक है। भगवान नाम की चीज है दुनिया में। आई नो यार, बट सॉरी यार, लास्ट टाइम प्लीज माफ कर दो यार, मुझे आगे से नहीं कभी होगा प्लीज यार। तुम्हें पता है वो चीज़ें ना मैं भूल नहीं पाऊंगी चाह के भी। मैंने सोचा यार तुम्हें चांस दे दूं मैं, ठीक है बंदा बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है, बहुत ज्यादा प्यार तो क्या ही है, अगर प्यार होता तो यार प्लीज इट्स मान जाओ ना, लास्ट टाइम यार मैं आपसे प्यार करता हूँ तभी आपको मतलब मिलने आया हूँ ना। अब मैं प्यार मिलने आए हो तो मुझ पे एहसान करने नहीं आए मिलने,
मैं सिर्फ तुम्हारी सुनना चाहती थी इसलिए। सॉरी यार, मैं गान पकड़ के जो मर्जी है बोलूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। अच्छा, कुछ ऐसा मेरे को सॉलिड रीजन दे दो कि तुम मेरी जिंदगी में वापस क्यों आना चाहते हो, मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ। यार मैंने मतलब क्योंकि प्यार तो मैंने सच्चा किया तुमसे। हाँ यार, प्यार तो मैंने सच में किया ना तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार किया। हाँ तो मुझे पता, आपके अलावा कुछ मुझे ऐसा कर ही नहीं सकता जैसा आप करते हो मेरे साथ। आप मेरी इतनी केयर करते हो, मेरी रिस्पेक्ट करते हो। केयर करती थी, अब नहीं करती। तो प्लीज यार फिर से हम रिलेशन में आ जाते ना, प्लीज ऐसा मत करो यार। और कुछ इस बार कोई गलती नहीं होगी यार, प्लीज यार। हाथ अच्छा, इस बार तुम्हें तुम्हारे रात को चिट्ठे नहीं मिलेंगे व्हाट्सएप पे अलग अलग लड़कियों के साथ। यार हो जाता है कभी कभार, होता है। दो साल से ये सब चल रहा है, दो साल से ये सब चल रहा है यार। व्हाट्सएप पे कांड मिलते हैं तरह तरह के। बोलो यार, जो बोलना जो मर्जी आप बोलना, प्लीज यार जो बोलना बोलो, बट ऐसा मत करो यार। प्लीज लास्ट टाइम मुझे एक मौका दे दो यार, प्लीज यार, प्लीज बताओ ना कि क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए, क्या करोगे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी बातों में मतलब तुम्हारी बातें सुन लूं, मैं कन्विंस हो जाऊं तुम्हारे साथ रहने के लिए। प्लीज कभी नहीं होगा। अच्छा, तुम चीट नहीं करोगे मुझे कभी भी? और 2 बजे जो 3 बजे अकेले फ्लैट पे छोड़ के गए थे वो, यार मैं मानता हूँ मेरी गलती है। और तुमने जो मेरे को स्टेयर्स में मेरे बैग्स उठा के सारे फ्लैट से और जो स्टेयर्स में फेंक दिए थे और बोला था मुझे, मुझे पता है रिट्स तो हाथ मत लगाओ। एक मिनट, तुमने मुझे बोला था कि रिट्स आपको जो बोला, तुम बहुत समझदार हो, तुम ओला बुक कर लो, तुम्हें जा जाना जाओ रात को, अकेले लड़की को छोड़ दिया, शर्म नहीं आई? नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसे करता तो क्या होता, सोचो। बोलो ना, कितना बुरा लग रहा है ना सोच के भी। अरे मेरा भी कोई भाई है यार, मैं भी किसी की बहन हूँ। बिल्कुल तरस नहीं आया मुझ पे, बिल्कुल भी। इतना प्यार किया, पकड़ता हूँ पाँव, पकड़ता हूँ, प्लीज यार माफ कर। पता कुछ कुछ चीजों की ना माफी नहीं होती है। मैं ना चाह के भी तुझे मतलब तुझे माफ़ी नहीं कर पाऊंगी, मैं चाह के भी। आज तक तुझसे ना मतलब मैंने तू करके बात नहीं करी, लेकिन आज सुन ले, मैंने सब करके देख लिया। आपके पीछे मैंने गर्लफ्रेंड भी रखी, इतना अफसोस लगा ना कि उसने भी क्या, वो उसने नहीं की जितनी आप, उसने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। कौन करता आपके पीछे? भगवान को गाली देते थे ना तुम कि भगवान ये है भगवान वो है, कहाँ गए वो तुम्हारे, कहाँ गए यूट्यूबर, हेलो सब्सक्राइबर्स, क्या हो गया? Something, जो बोलना है, जो भी है आपको, जो भी बोलना है प्लीज आप बोलो, जितना मेरे को गालियां देनी है। मुझे बताओ तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कहाँ गए, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे ये सारे सब्सक्राइबर्स कहाँ गए। वो होता था ना मैं हूँ मैं, वो जो मैं थी, जो तुम्हारा अहम था, वो घमंड था, वो कहाँ गया मुझे तो वो बताओ। टूट गया, टूट गया घमंड, बहुत जल्दी टूट गया यार। यार बड़ो बड़ो घमंड टूट जाता पता है, तुम्हारे जैसे ना, सबसे होती है तुम्हारे जैसे ना। मैं घमंड में नहीं बोल रही, मेरी मेरा दिल साफ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हारे जैसे 36 यूट्यूबर आते हैं और जाते हैं, और यूट्यूब ना कभी कभी तो उन्हें खुद भी पहचानने से इनकार कर देता है। तुम जैसे लोग हैं ना जो दुनिया में यार पता है कलंक हो, भगवान ना तुम मतलब किसी के घर पे ना ऐसा लड़का ना भेजे। प्लीज यार ऐसा मत बोलो, ठीक है मेरे, प्लीज यार मेरी बात मान लो यार। लास्ट टाइम यार मेरे से गलती तो इंसान से होती ना। चलो मतलब ठीक है, मैंने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में कि यार देखो प्यार तो मैंने किया ही है तुमसे, प्यार बहुत करती हूँ मैं तुमसे, देखो आज भी करती हूँ और हमेशा रहेगा, प्यार तो कभी खत्म नहीं होता, मेमोरीज तो कभी खत्म नहीं होती। पता है मुझे सब कुछ पता है कि आप मेरे अलावा किसी को देखते भी नहीं होंगे अभी। सिर्फ यही रीज़न है मैं रिलेशनशिप में नहीं आई, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और की जिंदगी में जाके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ जब मैं उसके लिए सीरियस हो ही नहीं पाऊँ। रियलाइज हो गया, अच्छी तरह से रियलाइज हो गया, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा यार, प्लीज मान जाओ ना यार। यार बिल्कुल तरस नहीं आया मुझ पे, बिल्कुल भी तरस नहीं आया, मैं वो चीजें याद करती हूँ ना। प्लीज यार मान जाओ ना यार, बाय बाय, आपको जो करना कर लो यार वो सब चीजें यार, प्लीज यार। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि होता है ना कि हर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन चांस सबको देना चाहिए, तुम भगवान नहीं हो, तुमसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ मेरे भगवान को आज के बाद कभी गाली मत देना, क्योंकि वही भगवान है जिसने तुम्हें तुम्हारा घमंड खत्म कराया और मुझे इस लेवल पे लेके आया है। भगवान होता है, प्लीज़ भगवान, मेरे भगवान को, मेरे साईनाथ को, मेरे भगवान को कभी गाली मत देना, बस तब मेरा दिल दुखेगा। मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी, मेरा डिसीजन है, लेकिन बस एक सॉलिड रीज़न दे दो कि कभी कभी भी तुम्हारी तरफ से कभी धोखा या कुछ कभी नहीं होगा, एक बार बोल दो बस। क्या गारंटी है मुझे, एक पर्चे पे लिख के दे दो कि हाँ मैं कभी किसी लड़की से मेरे व्हाट्सएप पे कांड नहीं मिलेंगे। यार मेरी बात सुनो, आपने मेरी आईडी वगैरह सब कुछ रख लो यार अपने पास, बट इस बार लास्ट वो मैं रख सकती थी, ट्रस्ट मैंने किया तुम पे, वो बहुत बड़ी गलती थी, ट्रस्ट किया तुम पे यार, एक बार और करके देख लो लास्ट टाइम यार। यार मैं आपके हाथ पकड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ यार, प्लीज़ यार।
इट्स महान जॉन है यार। ठीक है यार, तुम भगवान नहीं हो, और हर किसी से गलती होती है, गलतियां मैंने भी जिंदगी में बहुत किया, तुमने भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रियलाइज हो चुका है। ठीक है, ओके डन, रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, खिलाऊंगी तुम्हें अपने हाथों से खाना, और फिर से अपना एक बार और कटवा लूंगी, कटवा लेती हूँ। ठीक है, पहले जैसे रहने चलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा यार। ठीक है, डन, प्लीज आई लव यू यार। ठीक है, ओके, सुनो, हग नहीं, क्या हो गया? एक काम कर, अब तू पहली फुर्सत से निकल, निकल ले। क्या यार, ऐसा मत करो। ना ना, एक काम कर, पहली फुर्सत से निकल। इट्स मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलतियों की ना माफी नहीं होती। मुझे पता है, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। अब तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होना चाहिए कि तुमने क्या खोया है। अब पता लगेगा ना तुमने क्या खोया है। निकलो, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, पब्लिक देख रही है। एक काम करो, वो रहा सामने रास्ता, और चुपचाप वहां से निकल जाओ। और पता है किसके पास जाना है यहाँ से निकल के? उस लड़के के पास जाना जिसके साथ चैनल बनाया है, और जिसके लिए मुझे छोड़ के गए थे। कभी नहीं होगा, प्लीज सामने मत करो यार। और मिल जाएगी यार लड़कियां तुम्हें, और मिल जाएगी। तुमने तो बोला था 36 आएगी, 36 जाएगी, अब क्या हुआ, कहाँ गई वो 36? मुझे बताओ, कोई तो बताओ, भगवान आप उतर के मुझे बताओ। मत मारो यार, मैं मानता हूं मेरी गलती है, जो सजा देना चाहते दे दो यार, प्लीज यार, फिर से ऐसा मत करो यार। यू लॉस्ट मी, पता है तुम्हें, खो दिया यार। अगर अब मैंने ना, अगर अब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया ना अपनी जिंदगी में, मेरे मम्मी पापा ना, सुनो, मेरे मम्मी पापा है ना, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब, क्योंकि उन्हें तुमसे नफरत है। उन्होंने देखा है हमारी लड़की कैसे रातों रोई है, रात को पूरी रात सोती नहीं थी, कैसे तड़पती थी मैं, कैसे तरसी हूँ मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ प्यार के लिए, इज्जत के लिए ना। निकल यार, निकल निकल निकल, ना ना, मैं कमजोर नहीं करना चाहती, बहुत कमजोर कर लिया अपने आप को। तू जा यार, निकल यार, फटाफट निकल, निकल मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल। प्लीज यार, लास्ट टाइम मान जा। नहीं 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 नहीं, तेरे लिए कोई माफी नहीं है। अब मैंने सोचा था मैं माफ कर दूंगी, लेकिन नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगी ना बाद में। पाऊं पर नहीं 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 यार, नहीं 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 नहीं, प्लीज समझ मेरी बात को। आई हेट यू फ्रॉम माई हार्ट, आई हेट यू सो मच यार। जो बोले ना, जो सही देने दे दो यार, प्लीज। वही बात है ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ यार, मैं तुमसे प्यार कैसे कर लूँ? मेरी जिंदगी में चाहने वाले बहुत है मुझे, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा एक अच्छा दोस्त जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम जैसे आज रो रहे हो ना, और जिंदगी भर रोगे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा ना तुमने क्या खो दिया। Please, yeah, it's माफ नहीं, नहीं, यार, नहीं, last time. नहीं, हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे काम कर, तू निकल यार, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। अरे जा फिर, जैसे 36 आती थी। यही तो तेरा रूप देखने के लिए मैं 36 जाती मैं तेरे को दिखा दी तूने अपनी औकात। कितनी मरती मेरे पीछे मरती है ना, तो सुन सुन सुन, एक बार सुन, इधर तो आ, इधर तो आ, जो पता ठीक है, सुन, जो 36 मरती है ना, क्या पता तेरे को मेरे बारे में, जो तेरे पे 36 मरती है ना, मैं उसी के पास जा। अरे मैं भी देख रहा था, मिलके क्या कर रही है तू, कैमरा तो लगाया कहीं? कैमरा ही लगा हुआ है। तो लगा ले जो कैमरा। मन तो ऐसे करता है ना कि तेरा ना, देखो मैंने बहुत हाथ पांव जो है ठीक है, तेरे फेस के साथ ना तेरा चेहरा डालूं, पब्लिक को दिखाऊं मैं तेरे फेस के साथ। जा, जो करना कर ले ठीक है, तेरे को पता है, जो भी करना ना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। तू चल, मेरी बात सुन, यही रीजन है आज मेरे को एक बार और रियलाइज हो गया कि मेरे माँ बाप सही थे, बाकी सारी दुनिया सही थी। और सुन, तू लायक नहीं है मेरे साथ रहने के, तू लायक नहीं है। जो भी करना तूने कर, घटिया है तू, घटिया। घटिया किसको बोल रही है? पब्लिकली तूने मेरे कपड़े खींचे, घटिया है तू, घटिया। एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता, समझा? और सुन, आज मेरे को फिर से रियलाइज करा दिया तूने, वो सही डिसीजन है मेरा। 36 आती है ना, 36 आती है ना, तेरे पास 36 आती जाती। निकल, चल 36 के साथ उन्हें। अब यही कर रहा है ना, यही करियो, मरता रहियो, जिंदगी भर सड़ता रहियो, तू इसी के लायक है अकेले रहने के, भगवान है दुनिया में, निकल साइड। तेरे बारे में ना सोचूं ऐसी रात नहीं है, पर तू तोड़े दिल मेरा। तो गाइस, देखा आप लोगों ने, मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, मैं भी आप लोगों के लिए शॉकिंग हो। ये है उस लड़के की असलियत, उसकी सच्चाई, क्योंकि मुझे पता था वो अपनी दिखाई देगा यार। वो बंदा है ना, कभी किसी का हो नहीं सकता। और प्लीज इस मेरी एक रियल स्टोरी से एक मैसेज ले लेना आप लोग कि यार इन रिलेशनशिप में कुछ नहीं पड़ा, ऐसे घटिया रिलेशनशिप से निकलो बाहर। और प्लीज अपने माँ बाप के बारे में सोचो यार, कितना प्यार करते हैं वो आप लोगों से यार। एक लड़के के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना कभी भी। तो आज मुझे फिर से एक बार रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने बहुत सही समझाया, मुझे बहुत सही सिखाया कि ऐसे लड़के हैं ना अकेले रहने के लायक होते हैं, जिनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता है। और मुझे पता है कि वो हमेशा ही अकेले ही रहेगा, क्योंकि यार उसको कभी प्यार नसीब होगा नहीं, क्योंकि यार वो बोलते हैं ना, जैसे को तैसा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे यार। और हाँ, है भगवान दुनिया में है, मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ इन सबका। तो यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मेरी एक रियल स्टोरी है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है,
और यार अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज और आती रहेगी, रियल चीजें भी आपके सामने लाते रहेंगे। बाकी लव यू ऑल।